कोई फायदा नहीं अच्छी परी। मैं हार नहीं मानूंगी। अरे अच्छी परी, आप यहाँ पर कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ये इसमें कैद कैसे हो गई? मेरी सहेली को इस लॉकेट में कैद करने वाला एक जादूगर है और वो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसे आजाद करने के लिए मुझे जादुई सुनहरे रंग की जरूरत है। तो आप उस जादूगर से वो रंग छीन क्यों नहीं लेती? वो रंग मैं नहीं ला सकती, वरना मैं भी इस लॉकेट में कैद हो जाऊंगी। और वो जादूगर बड़ा होशियार है, उसने वो रंग खुद के पास नहीं रखा। तो कहाँ है वो रंग? ढोलकपुर के बाहर बहुत पुरानी अंधेरी गुफा में। अंधेरी गुफा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। सब लोग एक साथ रहना, कोई खो गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये एक भूल भुलैया है। भीम, अभी हमें दाई ओर जाना चाहिए या फिर बाई ओर? दाया बाया बाया दाया, गौर से देख कहाँ है तेरा साया। इसका क्या मतलब हुआ भीम? साया साया, मेरा साया बाई तरफ है, इसका मतलब हुआ हमें बाई तरफ जाना चाहिए। हवा जा रही है किधर? उस तरफ देख, ये पत्ता दाई ओर उड़ रहा है। इसका मतलब है हवा दाई ओर जा रही है। बिल्कुल, हमें दाई तरफ जाना चाहिए। इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे फिर खाएंगे, पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। कालिया, तुम ठीक तो हो ना?
शुक्रिया कालिया। लेकिन सबसे ऊपर वाले आम और भी मीठे होंगे। मैं चढ़ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं जग्गू, इतने ऊपर चढ़ना खतरनाक हो सकता है। रहने दो जग्गू, ये तुमसे नहीं होगा। जग्गू को कैसे रोके? फिक्र मत करो राजू, कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं, ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खा के जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खाके जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। मेरे लड्डू, किसने चुराए मेरे लड्डू? बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो, मैं तो सारे खा जाऊंगा। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। खास किसी के जन्मदिन के लिए बनाए गए हैं, इनसे कुछ लेना ठीक नहीं होगा। डोलू बोलू जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। क्या निशाना लगाया भीम? उस्ताद आपने कितनी बार फेंका, पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके के बाद की तो तुझे मटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस बस करो भीम, रुक जा। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार
पीछे मुड़कर तो देखो। खेल ही तो था, और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे, तो चलो हम भी चलते हैं साथ। कौन सी जगह है? आप उल्टे क्यों लटके हुए हैं? आज सुबह जब मैं उठा तो दुनिया उल्टी खड़ी थी, तब से मैं दुनिया को सीधा देखने के लिए यहाँ से लटका हूँ। खाली हो तो मेरा दिमाग भी नहीं काम करता। चलो पहले कुछ फल खरीद कर खा लें। कितना हुआ? 9 रुपया। ये लो 10 रुपए। और बाकी का? बाकी का तुम रख लो। रख लो मतलब अब पूरे पैसे दो? पर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं। और बाकी का? पर भैया 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं, तो हमने पूरे पैसे दे दिए हैं और 1 रुपया ज्यादा ही दिया है। सुना तुमने भाई लोग, ये क्या कह रही है? 10 रुपए 9 रुपए से ज्यादा होते हैं। आज जिंदगी में पहली बार सुना है ये। मुझे पागल समझा है क्या? चलो बाकी पैसे जल्दी निकालो। मैं नहीं दूंगा और पैसे। मैं लूट गया। क्या हुआ? ये क्या शोर हो रहा है? ये बच्चे मेरे फल खाकर पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हाँ साहिब, इन बच्चों का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं, बहुत खतरनाक है ये। तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है भीम? बस करो,
चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। देखा, उस्ताद को भी हमारे गाने के सामने झुकना ही पड़ा। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कि फिर से कभी गाना मत गाना। देखो, तुम्हारे गाने ने इन सब की क्या हालत कर दी है। तो ठीक है, हम अब कभी गाना नहीं गाएंगे। फिर चाहे तुम हमें कितना भी मनाओ। ये क्या हुआ भीम, सब जवान नहीं बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा। हमें महल जाना चाहिए। ढोलकपुर खतरे में है। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे। एक मौका है। हम ढोलकपुर को बचाने आ रहे हैं। ये क्या, घोलखाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। आज से मैं तुम्हारा राजा और तुम सब बच्चे मेरी गुलामी करोगे। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। छोड़ दो मुझे। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो, और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। कितनी देर हो गई, ये राजू अब तक क्यों नहीं आया। अरे इतनी देर से क्यों आए राजू, मेरी मर्जी। आज राजू को क्या हो गया। भीम के मन पसंद लड्डू बन रहे हैं। ये कैसे हुआ, मेरे लड्डू तो गए। राजू, ओ राजू, बाहर आओ। राजू, राजू तुम अंदर हो। क्या है। पर अभी तो ये वहाँ पुल के पास था। क्या मतलब, मैं तो यहाँ सो रहा था। अजीब सा बर्ताव कर रहा है। जाओ यहाँ से। हाँ।
वहाँ में जादुई मशरूम उगते हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। चलो अभी चलते हैं। जादू भी टूट जाए। तुम ठीक हो ना? ये मैं ठीक हो गया, मैं चमगादड़ नहीं रहा। साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। हाँ, पर डॉक्टर साहब, आपके सब दांत सोने के हैं। पर वो क्यों? मेरी मर्जी। मुंह खोलो, बोलो आ, 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 आ। दांत निकालना होगा। पर इसका तो पहले ही दांत टूट चुका है। मुझे दांत निकालना नहीं, टूटा दांत वापस जोड़ना है। डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप हैं। टूटे दांत के दोनों तरफ के दांत खराब हो गए हैं, दोनों निकालने होंगे। उस्ताद सौ कर लेंगे। हाँ, भीम जैसे। 97 उस्ताद, बस 3 और। 98 पूरे 100 हो जाएंगे। लड्डू सबके लिए बनाऊं, बीच में इसके किस्मत की पर्ची छिपाऊं। गोल गोल लड्डू सबके लिए बनाऊं, किस्मत की पर्ची छिपाऊं। अरे बच्चों आओ आओ। टुनटुन मौसी, आज आपने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हें ये नए खास लड्डू खिलाने के लिए। अरे ये कागज कैसा? टुनटुन मौसी, ये क्या है? ये किस्मत की पर्ची है भीम, इसमें जो भी लिखा होगा वो सच होगा। किस्मत का तारा बुलंदियों पर चढ़ता जाएगा, सूर्य के प्रकाश के समान तेज बढ़ता जाएगा। भीम, क्या बात है? दाढ़ा भागे की जहमत होगी, आने वाले वक्त में मेहनत होगी। मेहनत के लिए तैयार हो जाओ चुटकी। सब शांत हो जाओ, मैं अपने किस्मत की पर्ची पढ़ रहा हूँ। है ऐसा संयोग कि सब कुछ हो
होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। अरे वाह कालिया, तुम्हारी किस्मत तो चमकने वाली है, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ बकवास, ये किस्मत लड्डू कोई सच नहीं होने वाले। टुनटुन मौसी, आप अब तक यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब ढोलू? हमारा मतलब है वहाँ बाजार में एक आदमी मुफ्त में घी बेच रहा है, तो आप दुकान में क्या कर रही हैं? मुफ्त में घी बेच रहा है, पर कहाँ? उस तरफ। आप जल्दी जाइए वरना घी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं बस यूं गई आ रही हूँ आई। जाओ तुम दोनों भी खाओ।